नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह। जैव मंडल के अंतर्गत विभिन्न ऊर्जा तलों का जैव मंडल के अंतर्गत विभिन्न तलों पर ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण रीति से निकट उच्च पोषण रीति का होता है। तो ऊर्जा का अधिकांश भाग 90% विभिन्न क्रियाओं के ताप के रूप को नष्ट हो जाता है। केवल 10% ऊर्जा का पोषण तल को प्राप्त होता है, यानी कि हमारी हम जितनी भी ऊर्जा लेते हैं उसका 90% हमारा वेस्ट जाता है। जो 10% है वही केवल हमारे उपयोग में आता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा गतिकी के नियमानुसार होता है। इसमें ऊर्जा का 100% रूपांतरण संभव नहीं है। इसका एक पक्षीय प्रवाह तथा कार्बनिक पदार्थों का परिसंचरण भी पारिस्थितिकी के सिद्धांत पर है। ये सभी जीवों तथा पर्यावरण पर लागू होता है। तो बेटा, हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार होता है, ये बात आपको पता चली गई है। तो ऊष्मा गतिकी के नियम क्या है ऊर्जा के अंतर्गत वो देखते हैं। इसमें हमारे दो नियम है ऊष्मा गतिकी के। प्रथम नियम क्या है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है, इस नियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कि ऊष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं एवं रासायनिक ऊर्जा ही श्वसन क्रिया के कारण ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिस कारण से पोषण स्तर का संपादन होना शुरू हो जाता है। दोबारा सुने, इस नियमानुसार या इस नियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसे श्वसन क्रिया में लेते हैं और जो श्वसन क्रिया में हमारी जो ऊर्जा बाहर निकलती है वह ताप ऊर्जा का परिवर्तित रूप होती है, जिस कारण से पोषण स्तर का संपादन होना शुरू हो जाता है। इसका दूसरा नियम है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। इस नियम के अंतर्गत कहा गया है कि जब भी कोई ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ऊर्जा का ह्रास तथा विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। यह विनाश होने वाली ऊर्जा फिर वापस वायुमंडल में विकृत हो जाती है। यह वह क्रिया है जिसमें ऊर्जा की मात्रा का विनाश होता है। इसके संबंध में हमारे एक राइटर रहे हैं या विद्वान रहे हैं, कौन है, ओडम ने क्या कहा है कि ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि अनेक पोषण स्तरों का ऊर्जा प्रभाव निश्चित प्रणाली के अनुसार चलता है, यानी कि एक जो नियमित है जो एक निश्चित प्रणाली है उसके अनुसार चलता है ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत। तो आइए ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत को एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा एक सूर्य है, ये मैंने पहले से बना रखा है, एक सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा को विभिन्न स्तरों पर हमने यहाँ विभाजित किया। अंत तक सूर्य की ऊर्जा का जो प्रथम भाग है वो कहाँ जाता है, हरे पौधों में, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता है वो हरे पौधों में जाता है। हरे पौधे क्या करते हैं कि उसकी ऑक्सीजन बना के हमें देते हैं, तो हमारा वह उसका कुछ भाग हमारा श्वसन क्रिया में गया, यानी कि ह्रास हो गया श्वसन क्रिया में, उसका ह्रास हो गया। उसके बाद हमारा हरे पौधे जो है वो क्या करते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को देते हैं,
क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता जो है वो प्रथम उपभोक्ता पर डिपेंड रहता है। जो द्वितीय उपभोक्ता उसे यूज़ में लेगा तो यहाँ भी शोषण क्रिया होगी और ऊर्जा को ह्रास होगा। ऐसे ही द्वितीय उपभोक्ता जो है तृतीय उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी हमारी वो तृतीय उपभोक्ता के पास जाएगी और अंत में हमारा जो यहाँ से श्वसन क्रिया में होने के बाद जो वातावरण में जाएगा ये हमारा ऊर्जा का ह्रास होगा। केवल इस पूरी क्रिया में हमारा 10% पोषण में जाता है, यानी कि हम कितना भी करें हमारे शरीर के अंदर या हम अपने ऊपर ही घटाते तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ऊर्जा प्रयुक्त होगी वो केवल 10% होगी, बाकी के 90% हमारी वेस्ट है। ठीक है, जैसे कि से और देखते एक और डायग्राम के आधार पे, वो क्या है कि प्रथम उत्पादक है, उत्पादक क्या किया ऊर्जा ली, किसने प्राथमिक ने, वो कहाँ गई उपभोक्ता के पास, उपभोक्ता से किसने ली ऊर्जा द्वितीय उपभोक्ता ने, द्वितीय उपभोक्ता से किसने ली ऊर्जा तृतीय उपभोक्ता ने, इससे ऊर्जा कहाँ गई उच्चतम उपभोक्ता, और उच्चतम उपभोक्ता से ऊर्जा कहाँ गई अंत में अपघटक के पास। तो आपने देखा कि प्रत्येक स्थानांतरण में ऊर्जा की हानि हो रही है, यह हानि जीव द्वारा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में मुक्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। यह ऊर्जा पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोबारा उपयोग में नहीं की जा सकती, अर्थात खाद्य श्रृंखला में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसमें उसे भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं। यही ऊर्जा प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तथा तृतीय पोषक स्तर से खाद्य श्रृंखला द्वारा पहुंचती है। अतः यह कहना उचित है कि जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। अब हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में यानी ऊर्जा प्रवाह में जो अंतिम बिंदु में दिखाया गया था खाद्य श्रृंखला, वो खाद्य श्रृंखला क्या है, हेडिंग डालते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के आहार श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे का उपयोग करके अपनी आहार संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोग उत्पादक हरे पौधे, द्वितीय उपभोग प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक जैसे। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक यानी जो पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है वो होता है हरे पेड़ पौधे, और द्वितीय और तृतीय और अपघटक जैसे इनमें कौन से आते हैं कवक है जीवाणु हैं, आपस में मिलकर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं तथा भक्षक या भोज्य के रूप में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें प्रथम है उपभोग उत्पादक उपभोक्ता अपघटककर्ता निर्जीव प्रकृति में प्रवेश करते हैं। अब एक खाद्य श्रृंखला को एक समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि प्राथमिक जो हमारी
तीन चरणों में हम विभाजित करते हैं, मानते हैं इसे तीन चरणों में। तो जो हमारा पहला चरण है वो क्या है, उत्पादक स्तर से देखते हैं। तो ये पहला हमारा तीन स्टेप में जाएगा, थ्री स्टेप में, क्या कि उत्पादक स्तर देखते हैं इसका। पहले घास, घास को कौन खाता है, हिरण, और हिरण को कौन खाता है, शेर। इसे हम अगर देखते हैं दूसरे तरीके से तो इसमें फोर स्टेप होते हैं। फोर स्टेप में पहले घास, घास को खाए कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को पक्षी। ऐसे इसमें तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है हमारा फाइव स्टेप के अंतर्गत, इसे हम बोल सकते हैं थ्री स्टेप फूड चेन, फोर स्टेप फूड चेन, फाइव स्टेप फूड चेन। फाइव स्टेप फूड चेन के अंतर्गत क्या आता है कि पहले घास, घास को खाए कौन, कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को पक्षी। इस तरह से देखा आपने कि सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, थ्री स्टेप फूड चेन में, फोर स्टेप फूड चेन में, और फाइव स्टेप फूड चेन में। इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, क्या देखते हैं डायग्राम के माध्यम से देखें बेटा। इसमें ये देखो, सबसे नीचे जो है ये हमारा अपघटक है, ये हमारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन, हरे पेड़ पौधे। ये द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, जो इन हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो इन पर डिपेंड करते हैं। तृतीय उपभोक्ता हमारा जो सर्वाहारी होता है, यानी कि जो मांसाहारी, उच्चतम मांसाहारी होता है, वो कौन होता है, वो यहाँ से लेके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से लेके यहाँ तक सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला हुई, मिलते हैं अगली क्लास में।